मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। बच्चों के जनरल नॉलेज इम्प्रूव हम सब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को पूरी दीन दुनिया की खबर होनी चाहिए, बट कैसे? कई लोग पता है क्या करते हैं, वीडियोस दिखाते हैं अपने बच्चों को ऐसे जिसमें जीके के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बच्चा रट भी लेता है। बट क्या आपको लगता है कि उसे लाइफ टाइम ये सब चीज़ें याद रहने वाली हैं? बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, क्योंकि बच्चे ने रटी है और बच्चे का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जैसे ही आप उसके बगल से हटोगे ना, चले जाओगे, वो सीधे अपनी वीडियो चेंज कर लेगा और कोई मस्त सी कार्टून वाली वीडियो लगा लेगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बुक्स जो बच्चों की जनरल नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए बहुत सही होने वाली हैं। जैसे कि ये वाली बुक अगर मैं बात करूँ, ये है ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की सीक्रेट्स ऑफ द ओशन। 260 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको सिर्फ एक बुक से पता चलते हैं। और इन बुक्स की बहुत अच्छी बात पता है क्या है, ये एनिमेशन के साथ आपको मिलती है। मैं आपको बताऊंगी कैसे और क्या है इसकी खासियत। अब ये सेकंड बुक है डायनासोर्स के ऊपर, और ये जो है ये एनिमल्स के ऊपर है। इसमें आपको 200 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं। इस बुक में आपको 150 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं। अगर मैं बात करूँ बुक के साइज़ की, तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा साइज़ है। पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कलरफुल और पूरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आपको देखो दिख रही है ना यहाँ पे, और यहाँ पर सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, कौन सी जगह पे मिलता था ये, क्या इसकी स्पेशलिटी थी, क्या ये वेजिटेरियन था, नॉन वेजिटेरियन था, मतलब हर चीज़ आपको उस डायनासोर के बारे में पता चल जाती है। एनिमल वाली बुक भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो। जैसे ये बैट्स के ऊपर है ये पेज। अब बैट्स की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी क्या स्पेशलिटी है वो इसमें बताई गई है। मतलब ये बुक जो है ना, बहुत ही सही भाषा में और सिंपल तरीके से आपके बच्चे को बहुत कुछ सिखाएगी। इस बुक की जो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, देखो इसमें ना आपको यहाँ पर दिया गया है फ्री एप्लीकेशन। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, वहाँ से आपने इस बुक के फ्रंट में, यस, इस पेज पे ये स्कैन कोड दिया हुआ है ना, सिंपल आपने इसको स्कैन करना है। जैसे ही आप इसको स्कैन करते हो, ये बुक पूरी आपके फ़ोन में लोड हो जाएगी, लोडिंग लोडिंग दिखेगा आपको। उसके बाद होता है चमत्कार। हाँ, उसके बाद चमत्कार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये पेज ओपन किया है, अब जैसे ही मैं इस फोटो को अपने फ़ोन से स्कैन करूँगी ना उस एप्लीकेशन के थ्रू, सब कुछ आपको 3D 4D वे में दिखेगा। 3D तो बहुत कम है, इतना रियल दिखता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। 4D एनिमेशन में आपको वो सारे एनिमल्स दिखने लग जाते हैं। जैसे मैंने लॉयन की पिक्चर को जैसे ही मैंने स्कैन किया, तो मुझे लॉयन जंगल में दिखेगा और उसकी साउंड भी सुनाई देगी। मतलब आप अपने बच्चे को पिक्चर्स भी दिखा सकते हो, बुक की मदद से पढ़ा भी सकते हो। बच्चे को हम उस तरीके से 4D एनिमेशन में दिखाते हैं ना, तो बच्चे को एग्जैक्ट लॉयन दिखता है, कैसी उसकी साउंड है वो सुनाई देती है, तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरे बच्चों को ये बुक कितनी ज़्यादा पसंद है। आज की डेट में फ्री टाइम में जब बच्चे फ़ोन और TV बोलते हैं ना, मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा वो वाली बुक दे दो, हम फ़ोन से ना वो वाली बुक के एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब कितना सही है ना, एक बुक आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर ट्राई करना। वैसे मैंने तो तीनों ले रखी हैं, बहुत ही सही होने वाली हैं। 6+ एज है इसकी, और ये जो एप्लीकेशन है ना, और ये जो एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, और ये तीनों बुक पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स वाली बुक पे ही आपको 4D एनिमेशन दिखेगा, नहीं, हर बुक में आपको हर एक एनिमल, हर एक डायनासोर और हर एक ओशन के जीव जंतुओं के बारे में पता चलने वाला है, जो कि बहुत सही चीज़ है। कैसे आप इसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ली है फोटोज़, जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से स्कैन भी कर लिया है इस पेज से, ये देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने स्कैन भी कर लिया है। तो अब जैसे ही मैं फ़ोटो पे फ़ोन रखूँगी ना, तो देखना मेरी वो फ़ोटोज़ कितनी रियल हो जाएंगी। मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी ना, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके की बुक देखी है, तो मेरा जो है ना, क्या कहता है, एक्साइटमेंट लेवल तो बिल्कुल आसमान पे था। मैंने कहा भाई वाह, मतलब मुझे बहुत सही चीज़ लगी है, तो आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हो। चलो फिर अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बुक्स को भी नज़दीक से, और थोड़ा सा मैं आपको वो भी बताती हूँ कि कैसे आपने स्कैन वगैरह करना है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो MRP बुक का 300 रुपीज़ है, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। लिंक मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ट्राई ज़रूर करना अपने बच्चों के लिए। आज की डेट में बच्चे फ़ोन और TV पे इतना चिपक गए ना, कि इस तरीके की बुक्स बच्चों के पास होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे मज़े मज़े में बहुत सारी चीज़ें भी सीखेंगे, GK भी उनकी इम्प्रूव होगी। तो चलो फिर देखते हैं बुक्स को।
वो बुक्स जो मैं आज आपको एडवाइस करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इस तरीके की मेरी ये पहली बुक है, तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इस बुक में आपको 200 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं एनिमल्स के बारे में। ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की ये बुक होने वाली है। इस बुक की पता खासियत क्या है, इसमें आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है जो इस बुक से रिलेटेड है। जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो ना, तो आपने ये जो QR कोड दिया हुआ है, इसे आपने स्कैन करना है। जैसे ही आप इसे स्कैन कर लेते हो, अब आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जिस पेज पे जो भी फ़ोटो आपको दिख रही है ना, आप सिर्फ इस फ़ोटो के पास अपना फ़ोन लेकर आएंगे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद, और ये फ़ोटो बिल्कुल 4D एनिमेशन में आपको दिखेगी। मतलब ऐसी बुक मैंने आज तक कोई नहीं देखी, और ये बुक मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें ना साउंड पिक्चर के थ्रू हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, साथ साथ एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह भी दिखा रहे हैं, साउंड भी आ रही है, तो बहुत हेल्पफुल हो गई है। बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ प्रिंट की, तो प्रिंट की क्वालिटी अमेजिंग है इसकी। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है एनिमल्स के ऊपर, एक है डायनासोर्स के ऊपर। मेरे बेटे को डायनासोर्स वाली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसको ना डायनासोर्स की वो साउंड और वो जो पिक्चर्स हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने बस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और फिर फ़ोटो को स्कैन करना है। पहले आपने इसे स्कैन करना है, और फिर आप किसी भी फ़ोटो पे जैसे ही अपने फ़ोन को रखते हो ना, वो जो है ना डायनासोर, वो आपको एनिमेटेड वे में दिखता है। 4D एनिमेशन, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल आपकी मुट्ठी में ही आ जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, क्योंकि बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम सिखा सकते हैं बहुत कुछ। अगर मैं बात करूँ सीक्रेट ऑफ द ओशियन, इसमें आपको 260 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं। पिक्चर क्वालिटी अमेजिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे आपको सारे फैक्ट्स लिखे हुए दिखते हैं, तो बच्चे को पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हो। तो ये बुक्स आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा और बच्चे बहुत कुछ नया सीख भी पाएंगे। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, पर बुक का प्राइस सिर्फ 300 रुपीज़ है। जी हाँ, मैं आपको सिर्फ 300 इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये बुक वर्थ करती है। जो इसका ये 4D एनिमेशन और साउंड है ना, वो अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना, बिलीव मी, एक बुक लेके देखो आप खुद बाकी की दोनों खुद ले लोगे। ये मुझे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये मुझे इतनी पसंद आई। मतलब एक से आप ट्राई करो, पसंद आएगी, तब बाकी की दो आप खुद ब खुद मंगवा लोगे। एज की अगर मैं बात करूँ, 6+ एज है इसकी। बुक की क्वालिटी अमेजिंग है। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तीनों बुक्स का लिंक दे दूँगी, आप अपने बच्चे के लिए मंगवा सकते हो। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है और इस बुक के लिए स्पेशली बनी है, इन तीनों बुक्स के लिए। और इसके अलावा और भी रेंज है 4D एनिमेशन में, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। जैसे ही आपकी ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद आपने स्कैन करना है। जो पेज इसका बुक में सेकंड पेज है ना, उसमें एक स्कैन कोड मिल जाएगा आपको 1 स्टेप इंस्ट्रक्शंस के कॉलम में, काफ़ी बड़ा दिख जाता है। कंटेंट्स के बिल्कुल बगल वाला पेज है वो साइड वाला, तो आपको बिल्कुल ढूंढने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वहाँ से आप उसे स्कैन कर लीजिएगा और बस, और फिर देखिएगा इस किताब का कमाल। जी हाँ, अब मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से कि कैसे आपने इसे स्कैन करना है। ये हमसे ये भी पूछता है कि हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, तो मैंने इंडिया फिल कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्कैन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अपनी बुक के QR कोड को जैसे ही स्कैन करूँगी, ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड होना, और फटाफट से, जी हाँ फटाफट से, बहुत ही सही होने वाला है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग स्टार्ट हो गई है। जिस भी बुक को आपने देखना है 4D एनिमेशन में, आपको उसे अलग से करना पड़ेगा 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने अभी डायनासोर वाली बुक का स्कैन किया है, तो ये डायनासोर वाली बुक के एनिमेशन डाउनलोड हो चुके हैं, लोडिंग हो रहे हैं। नीचे आप देख सकते हो मोर लाइक दिस में आपको और भी 4D एनिमेशन की बुक्स दिख जाएंगी। जब तक ये हो रहा है लोड, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी बुक्स हैं इसमें। जो 3 बुक्स तो मैं आपको दिखाई रही हूँ, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी है, स्पेस के ऊपर भी है, ये सभी आपको 4D एनिमेशन में मिलती हैं। एप्लीकेशन सबकी सेम होने वाली है, बट हाँ ये स्कैन QR कोड सबका अलग होने वाला है। अब मैं वॉच, क्योंकि लोड हो गया, तो जैसे ही मैं वॉच का बटन दबाऊंगी, तो ये फिर से इस तरीके से लोडिंग दिखा देगा। विद इन सेकेंड्स ये आपको पहुंचा देगा बिल्कुल फाइनल स्टेज पे। अब फिर आपने फ़ोटो को करना है स्कैन और बस, देखिए कमाल।
अब जैसे ही मैं किसी भी डायनासोर की फ़ोटो को दिखाऊंगी आपको, ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल रियल बन चुकी है, मतलब वाव, 4D एनिमेशन में है। और पिक्चर के अलावा आपको साउंड भी पूरी तरीके से सुनाई देगा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो अब मैं बोलना बंद करती हूँ और आप मज़े लीजिए इस 4D एनिमेशन के। देखा आपने कितना मस्त मज़ा आ रहा है। सबसे पहले देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपने डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को, यहाँ पर फिर आपने करना है स्कैन, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने स्कैन करना है इसे, और फिर आपने किसी भी फ़ोटो के ऊपर जैसे ही मैं फ़ोन रखूँगी आप देख सकते हो वो बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाएगी और 4D एनिमेशन में आपको दिखेगी, इवन उसकी साउंड भी सुनाई देगी। ओशियन वाली बुक तो मुझे स्पेशली ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जैसे ही मैं फ़ोन इसके ऊपर लाती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं खुद ओशन में चली गई हूँ और हर मछली तैरती हुई मुझे फील होती है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इन बुक्स को ट्राई कर सकते हो अगर आप 4D एनिमेशन में अपने बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहते हो और चाहते हो कि आपका बच्चा भी उस चीज़ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि GK पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं है और बच्चों को पढ़ाना तो बिल्कुल भी खेल नहीं है। तो आप इन बुक्स को ट्राई कर सकते हो, लिंक मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कौन सी वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे एनिमल वाली भी बहुत अच्छी लगी, बहुत मस्त, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, लिंक है इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।